नए वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है। 31 दिसंबर की रात्रि जश्न मनाने के बाद सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसके लिए प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बना रखी है। जिले का चिरौला मंदिर, उपराटी किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर, कोठी कंपाउंड का शिव मंदिर, रानी तलाव के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम दरबार में श्रद्धालु पहुंचे और वर्ष की शुरुआत की। दूर दराज इलाकों में बात करें तो देव तालाब का शिव मंदिर, नई गढ़ी देवी मंदिर, सिमरिया के बसामन मामा, गोविंदगढ़ का खंडो माता मंदिर जिले वासियों को नए वर्ष का पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में है। सुबह से ही चिरौला मंदिर में शहर वासियों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर शुरुआत की। आइए आपको दिखाते हैं चिरौला मंदिर में उमड़ा जन सैलाब के साथ नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला का नए वर्ष के पहले दिन की शुरुआत में व्यवस्था को लेकर क्या कहना है। निरीक्षण के लिए यहाँ तो बहुत पुरानी मंदिर है चिरौला नाथ की, और कृपा भी होता है दर्शनों की, इसीलिए भक्त आते हैं। बहुत पुरानी प्रसिद्ध, और नया साल है, चाहे जो भी दिन हो लेकिन नया साल में भीड़ लगती ही लगती है। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिंह बघेल। चिरौला नाथ मंदिर है सर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग काफ़ी दर्शन करने यहाँ बहुत दिन से आते हैं, और मैं हर मंगलवार को आता हूँ दर्शन करने सर। बहुत अच्छी मंदिर है और हर साल आते हैं सर, काफ़ी भीड़ है सर। क्या नाम है? रविकांत पांडे। हाँ, हर वर्ष की तरह इसी तरह भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है सर। आज नए वर्ष 2023 की शुरुआत हो रही है, और प्रतिवर्ष विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि चिरौला मंदिर और जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनमें भक्तजनों की भीड़ लगती है। उसी को लेकर के हमारे द्वारा यहाँ चिरौला मंदिर में व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें नगर निगम, पुलिस बल, थाना प्रभारी बिछिया और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से यहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे कि भक्तजनों को दर्शन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सुचारू रूप से यहाँ दर्शन व्यवस्था चल रही है। नव वर्ष सभी का मंगलमय हो, सभी को शुभकामनाएँ हो, सभी के बीच में प्रेम, सहयोग और विश्वास बना रहे। जी बताया जी, नव वर्ष आज 1 जनवरी है 2023 नव वर्ष, ये चिरौला नाथ मंदिर का मंदिर है, किस प्रकार की भीड़ है यहाँ पे, क्या व्यवस्था है, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, क्या है? वक्रकुंड महाकाय सूर कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरुवे देवा सर्व कार्यसु सर्वदा। ये हमारे रीवा शहर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चिरौला नाथ का, और आज से 500-600 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी चिरौला नाथ की, और यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। यहाँ पे हमेशा मानस भंडारे के आयोजन किया जाता है। लोगों की आस्था चिरौला नाथ से इतनी जुड़ी हुई है कि अगर कोई लोग कोई मन्नत रखते हैं कि हे प्रभु मेरा ये मनोकामना पूर्ण करिएगा, मैं यहाँ पे भंडारा कराऊंगा कि मानस कराऊंगा, तो चिरौला नाथ सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पे भंडारे में कम से कम 1,000-2,000 लोग प्रतिदिन भोजन प्रसाद पाते हैं। आज नए वर्ष में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? आज नए वर्ष में प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैंने तो आज तक इस तरह की व्यवस्था पहली बार मैं देख रहा हूँ। 20 साल मुझे भी चिरौला नाथ की सेवा करते हुए समय व्यतीत हो गया मेरा, है ना।
तो आज जो प्रशासन की व्यवस्था है ये अति उत्तम व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। श्रद्धालु आ रहे हैं ना, किसी का चैन चोरी हुआ, ना मोबाइल चोरी हुआ, ना किसी का पर्स चोरी हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने आज बनाई हुई है। आज हमारे यहाँ मंदिर में भंडारे का आयोजन नए वर्ष में किया गया है, जो कि आज से 30 वर्ष से कंटिन्यू हर साल 1 जनवरी को भंडारा अपने मंदिर पे किया जाता है। क्या नाम है आप? मेरा नाम निशान तिवारी, टोनी महाराज, पुजारी, चिरहुला।